बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म पद्मावती रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। आए दिन किसी न किसी वजह से ये फिल्म खबरों का हिस्सा बन ही जाती है। संजय लीला भंसाली के इस फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पहले गुजरात के सूरत में एक मॉल के अंदर बने पद्मावती के पोस्टर की शानदार रंगोली को बर्बाद कर दिया गया। बता दें कि रंगोली कलाकार करण के ने ट्विटर पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया, लगभग 100 लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आई और उनके दो दिनों की कड़ी मेहनत को तहस नहस करके चली गई। बताया जा रहा है कि इस रंगोली को बनाने में 48 घंटे लगे थे। करण ने रंगोली की पहले और खराब होने के बाद दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। करण ने मॉल मैनेजमेंट को खत लिखकर बताया कि जिस तरह से उनकी रंगोली को और मेहनत को बर्बाद किया गया है वो बेहद अफसोसजनक और शर्मनाक है। बता दें कि राजपूताना संगठनों ने फिल्म में रानी पद्मावती के चरित्र को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान में बने सेट में तोड़फोड़ के साथ मारपीट जैसी घटना को भी अंजाम दिया था। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका मुख्य भूमिका में हैं। रणवीर अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।